अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जिनके बारे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के टाइम पर ध्यान रखना है। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एफिशिएंटली करते हैं तो यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं और इन सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स की वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपके बिलिंग का कॉस्ट कम हो जाता है और बहुत सारे केसेस में आप जो चीज परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी चीज का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं परचेज करने के टाइम पर, तब यहाँ पर भी इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन का रेशियो जो है वो 30% के आसपास होना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर के पोर्टफोलियो पर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। और अगर आप लोग मल्टीपल टाइम्स ऐसा करते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइजेशन रेशियो है वो 30% से ज्यादा का हो जाता है या क्रेडिट कार्ड आप फुल्ली एग्जॉस्ट कर देते हैं, तब इन सारे केसेस में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो काफी हद तक गिर सकता है। तो जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमेशा ही ये देखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो 30% के आसपास होना चाहिए या उससे कम ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज कर लेते हैं या क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर और आपके पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। काफी बार देखा जाता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल का अमाउंट तो बड़ा जनरेट हो जाता है लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। फिर उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि क्रेडिट कार्ड से जो स्पेंडिंग की है उस क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग को ईएमआई में कन्वर्ट करने का। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग को ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% के आसपास का हो जाता है और 15% के इंटरेस्ट के साथ साथ आपको लगती है प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्जेस। इसकी वजह से आपके जो स्पेंडिंग का अमाउंट है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और आपके ऊपर डेट का बर्डन जो है वो काफी तेजी से इंक्रीज होता है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लगातार करते हैं, बार बार करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की एक बुरी आदत लग जाएगी। देखो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है लेकिन अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का बार बार इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं और ओवर लिमिट से ज्यादा का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करने की वजह से आपका डेट का प्रपोर्शन बढ़ सकता है। ऐसा करने पर आपका जो डेट का रेशियो है वो इंक्रीज होता है और डेट का रेशियो इंक्रीज होना आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के टाइम पर क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये आपके लिए काफी ज्यादा महंगा होता है। आप लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर लोन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग जब भी क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर लोन लेते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिमिट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसके बेसिस पर आपको अलग से लोन दिया जाता है जहाँ पर आपको इसका रिपेमेंट अलग से करना पड़ता है। इसके अलावा जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करना है या ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना है। अगर आप लोग ड्यू डेट पर पेमेंट करेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए 3 दिन से ज्यादा का टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट ड्यू डेट पर पेमेंट की है और अगर आपके क्रेडिट कार्ड में आपकी पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करती है तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि पेमेंट गेटवेज को जो टाइम लगता है इसकी वजह से क्रेडिट कार्ड के जो बिल है वहां पर आपके पेमेंट का स्टेटस नहीं दिखाया जाता है। और काफी बार ऐसी बहुत सारी क्रेडिट कार्ड की कंपनी है जो आपके क्रेडिट कार्ड के बैलेंस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करने लगती है। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो हर एक क्रेडिट कार्ड और हर एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है उस क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने की फीस कितनी होगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की फीस कम होती है और तो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो यहां पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के टाइम पर आपको एडिशनल फीस देनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है, जितने की पेमेंट होती है आपको डेबिट कार्ड से उतने की ही पेमेंट करनी पड़ती है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो काफी सारी जगह ऐसी है जहां पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की वजह से आपके ट्रांजेक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।